ये जादुई तरीका करेगा बालों का झड़ना बंद, पतले बाल मोटे काले और घने हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप बस एक चीज से ऐसी रेमेडी तैयार कर सकते हैं जो आपके बालों की लंबाई को इतना बढ़ा देगी कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। इस चीज को आप अपने बालों में लगाकर अपने बालों की लंबाई ऐसे बढ़ा पाएंगे कि सब हैरान रह जाएंगे। और इस रेमेडी की खास बात ये है कि आप इसे बनाकर रख भी सकते हैं, यानी जब भी आप अपने बालों को धोने के लिए जाएं, तो बस इस नुस्खे को लगाएं, इसका इस्तेमाल करें और फिर देखें कि कैसे आपके बालों की लंबाई बढ़ने लगती है, उनमें चमक दिखाई देने लगेगी और बाल बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, बालों का झड़ना बंद होगा, बाल लंबे होंगे, चमकदार होंगे। तो चलिए इस नुस्खे को तैयार करना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप आज मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे लाल बटन है उसे दबाकर और जो बराबर में घंटी है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको बस एक ही चीज की जरूरत है, जो है मेथी दाना। जी हाँ फ्रेंड्स, ये रसोई घर में इस्तेमाल होने वाला मसाला जो कि मेथी दाना के नाम से जाना जाता है, इसमें बहुत सारे गुण होते हैं, ये बहुत सारे गुणों से भरपूर है। फ्रेंड्स, अगर आप अपने बालों की समस्याओं को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हैं और आप इस उलझन में हैं कि आप अपने बालों की प्रॉब्लम से कैसे निजात पाएं, तो आपके लिए एक मैजिकल हेयर टोनर लेकर आए हैं जो कि मेथी दाना से हमने बनाया है। जी हाँ फ्रेंड्स, मेथी बालों की सभी समस्याओं के लिए एक रामबाण इलाज है। दरअसल मेथी में मौजूद प्रोटीन जहाँ गंजेपन को दूर करता है, वहीं इसमें मौजूद पोटेशियम बालों को सफेद होने से रोकता है। इसके साथ ही मेथी बालों को जड़ों को भी मजबूत बना देती है। फ्रेंड्स, मेथी को हम कई तरह से प्रयोग कर सकते हैं बालों को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन उसमें से एक तरीका आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर आप अपने बालों को लंबा घना मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस नुस्खे का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। तो अभी नुस्खा बनाना शुरू कर लेते हैं। तो पहले नुस्खे बनाने के लिए हमें चाहिए मेथी। तो फ्रेंड्स, इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कंटेनर में ले लेंगे 2 बड़े चम्मच मेथी दाना। आप किसी भी तरीके का कंटेनर यूज कर सकते हैं। अगर एयर टाइट कंटेनर लेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से रेमेडी बनती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच मेथी दाना ले लिया है, जो कि आपके कितने भी लंबे बाल हैं उसके लिए काफी ही रहेगी। ये जो मेथी है उसे हमें भिगा कर रखना है कम से कम 2 दिनों के लिए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पानी डालेंगे। आप चाहे तो 1 गिलास पानी में भी इसे भिगो सकते हैं और अगर आप चाहें तो 2 गिलास भी पानी इसके अंदर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 गिलास पानी यूज कर रही हूँ क्योंकि ये जो टोनर है मुझे स्प्रे फॉर्म में चाहिए। तो ये हमने मिक्स कर दिया है मेथी का दाना पानी के अंदर और हम इस मेथी के दाने को स्टोर करने के लिए लगभग 2 दिन के लिए इस पानी में रहने देंगे। 2 दिन के बाद जब आप देखेंगे तो मेथी काफी फूल चुकी होगी और ये जो पानी है आपको थोड़ा पीला रंग का दिखने लगेगा। इसका मतलब है कि मेथी के सारे गुण पानी के अंदर आ गए हैं। जब आप इसे 2 दिन पानी के अंदर रखेंगे तो ये काफी चिपचिपा सा पानी बनकर तैयार होता है। फ्रेंड्स, अब एक बॉल में अभी जो मेथी का दाना से पानी हमने तैयार किया है वो हम स्ट्रेनर की हेल्प से इस बॉल में छान लेंगे। और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है पानी पहले से, क्योंकि इसमें मेथी के काफी गुण आ चुके हैं। इसमें हमें आयरन मिलेगा जो कि बालों को मजबूती देगा, क्योंकि जो मेथी है उसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में आयरन मौजूद होता है जो बालों की ग्रोथ में हेल्प करती है। इसमें जो सबसे ज्यादा खास बात है वो है निकोटिक एसिड। मेथी के अंदर निकोटिक एसिड पाया जाता है जो कि रूखे और बेजान बाल में जान डाल देता है, बालों को बढ़ाने में चमत्कार दिखा देता है। इस टोनर में सबसे पहले जो मेथी दाना के पानी में आपको मिलाना है वो है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। आप चाहें तो प्लांट का एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं।
यहाँ पर मैं मार्केट वाला एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ। अब हम इसके अंदर मिला रहे हैं कस्टर्ड ऑयल, तो यहाँ पर लगभग एक चम्मच कस्टर्ड ऑयल हम इसके अंदर डाल लेंगे। कैस्टर ऑयल में फ्रेंड्स आपके बालों को मजबूती देने में, उन्हें अच्छा बनाने में, हेयर ग्रोथ बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और एक ही चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे कोकोनट ऑयल। आप अपने पसंद का कोई भी कोकोनट ऑयल इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, बशर्ते कि वो एकदम प्योर हो। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा बढ़िया बालों का टोनर बनकर तैयार हो गया है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि आपको इसे कैसे अप्लाई करना है। तो जब भी आप अपने हेयर को वॉश करने जाएं, तो उससे पहले लगभग एक घंटा पहले आपको ये टोनर अपने बालों में अप्लाई करना है। तो जब भी आप अपने हेयर को वॉश करने जाएं, तो उससे पहले लगभग एक घंटा पहले आपको ये टोनर अपने बालों में अप्लाई करना है। आप इसे स्प्रे भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी कंसिस्टेंसी ज्यादा थिक नहीं की है, तो आप इसे आराम से स्प्रे भी कर सकते हैं अपने बालों पे। अपने स्कैल्प पर इसे लगाना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि गंजेपन की शिकायत जिन लोगों की है, ये नए बाल उगाने में उनकी हेल्प करेगा, क्योंकि इसके अंदर निकोटिक एसिड मौजूद है और साथ ही साथ विटामिन सी और पोटेशियम भी होता है, जो कि दोबारा बालों को उगाने में हेल्प करता है। तो अगर आपके बाल जा चुके हैं, झड़ चुके हैं और दोबारा अपने बालों को पाना चाहते हैं, तो इस टोनर का इस्तेमाल जरूर करें। साथ ही साथ आपके बाल रूखे, बेजान, रफ हो चुके हैं, तो आप इस टोनर को जरूर लगाएं। आप पूरी रात इसे अपने बालों पर और स्कैल्प पर लगाकर रख सकते हैं, और मॉर्निंग में आप इसे किसी भी माल शैम्पू से वॉश कर लें, या फिर किसी भी हर्बल शैम्पू से आप इसे वॉश कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जितना भी टाइम आप कोई भी रेमेडी इस्तेमाल करें, बिल्कुल आपको केमिकल वाली कोई भी चीज यूज नहीं करनी है बालों पर, वरना वो असर नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, मैंने इसे फिल कर लिया है एक स्प्रे बॉटल में, और इसे रेफ्रिजरेटर में आपको स्टोर करना है। आप लगभग इसे 2 वीक तक रख सकते हैं, यानी कि ये एक बार की बनाई हुई रेमेडी 5 से 7 बार यूज कर सकते हैं अपने बालों के ऊपर। ये जो टोनर आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, इस टोनर को जब भी आप अपने हेयर वॉश करें, या तो उससे 1 घंटा पहले इसे लगा लें, या फिर रात में सोने से पहले आप इसे अपने स्कैल्प पर और अपने बालों पर लगाकर अच्छे से मसाज कर लें, और उसके बाद इस रेमेडी का जादू आप देखिएगा फ्रेंड्स। तो आज की रेमेडी अगर आपको पसंद आती है, तो सबके साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल के साथ जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप इस वीडियो को पक्का से लाइक करिएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक और नए बेहतरीन एपिसोड में। तब तक खुद से प्यार करिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टिल देन बाय।